क्रिएटिव कनेक्शंस, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों के, तो कनेक्शन बिल्ड करना, कनेक्शन को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, सो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अक्सर आता होगा कि हम अपने ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। और जहां क्रिएटिव की बात की जाती है, क्रिएटिव माइंड्स की बात की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं एवरीडे। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बोल भी सकते हैं, अच्छा लिख भी सकते हैं, और इसी तरह आपकी अगर प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, खेलने की, कूदने की, आपकी जो प्रैक्टिसेस में आप अच्छी ड्राइंग करते हैं, सो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं लाइफ के। आप अपनी जॉब में, बिजनेस में, अपनी स्टडीज़ में कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। हमारे जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे खाने हैं बहुत सारे, इस तरह बहुत सारे वायरिंग है इसकी, सो वो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी में कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होते हैं, आपके अपनी मेमोरी से, आपके अपने प्रेजेंट टाइम से और आपके फ्यूचर इमेजिनेशन से। फ़र्ज़ करें अगर आपने बचपन में सोचा कि एक सेब आपने खाया, उसका टेस्ट आपको कैसा लगा, जब आप बड़े हुए उसी सेब का आपने जूस पिया, और इन फ्यूचर अगर आप इमेजिनेशन करते हो कि आप अब उसी फ्रूट के जूस के आप बिज़नेस स्टार्ट करें, सो आप अपने इमेजिनेशंस, अपने कनेक्शंस, अपने पास एक्सपीरियंस या अपने फ्यूचर डिस्कशंस या अपने प्रेजेंट्स की चीज़ों को लेकर किस तरह क्रिएटिव कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। इसी तरह आपके अपनी स्टडीज़ में, बिजनेस, आपकी जॉब, आप एज अ राइटर हो, एज अ सिंगर, एज अ आप नात खुआ हों, सो आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सीखते हो उसी को आप अप्लाई कर रहे होते हैं। एक एक्टर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी एक्टिंग करता है और परफॉर्म करता है, सो कहीं ना कहीं हम भी एक्टर हैं आपके लिए। आपके लिए अच्छे एक्ट करते हैं हम, अपने पेरेंट्स के लिए एक्ट करते हैं, फैमिलीज़ के लिए एक्ट कर रहे होते हैं कि हम अच्छा काम कर सकें। सो यही एक इंसान का पर्पस होता है कि वो अपनी क्रिएटिव कनेक्शंस को बिल्ड करते हुए बेहतरीन से बेहतरीन कनेक्शंस बिल्ड करें। सो आइए आगे बात करते हैं कि आप अपने क्रिएटिव कनेक्शंस को बिल्ड करते हुए अपने रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी में। थैंक यू।